गोपाल नेगी ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। और गाइस बज चुके हैं शाम के 5 और आज पहाड़ों में मौसम की बात करें तो गाइस सुबह से धूप आ रही है और अभी भी गाइस देख सकते हो धूप आ रही है और शाम के टाइम पहाड़ों में आजकल बारिश का मौसम बन जा रहा है। तो गाइस अभी भी थोड़ा बहुत बादल लगे हुए हैं तो सुबह से लग रही है आज धूप। तो गाइस आजकल पहाड़ों में मतलब आजकल जैसे लौकी के पेड़ और कद्दू के पेड़ और इस प्रकार से जैसे ककड़ी के पेड़ आजकल लगा रहे हैं लोग गाँव में, तो बाद में एक दो महीने में जून जुलाई तक ककड़ी और लौकी पहाड़ों में तैयार हो जाती है। और उसी प्रकार से आजकल गाइस पहाड़ों में मिर्ची लगा रहे हैं खेतों में, तो पहले मिर्ची का बिन दिया जाता है एक जगह पे, बिन उसे कहते हैं गाइस जहाँ पे एक जगह पे ज़्यादा मात्रा में मिर्ची को उगाया जाता है, उसके बाद खेतों में दूर दूर लगाया जाता है। तो गाइस सुबह हमने भी लगाया था, तो अभी हमने मैंने पानी दे दिया थोड़ी देर पहले उसको, क्योंकि सुबह लगाया था और पानी नहीं देने की वजह से गाइस वो सूख जाएगा। तो अभी मैंने दिखाते हैं आपको किस प्रकार से मिर्ची पहाड़ों में लगाई जाती है और कितनी बड़ी मिर्ची हमने लगा रखी है। तो गाइस अभी पूरी खेत में नहीं लगा रखी है, अभी थोड़ा सा एक ही खेत में लगा रखी है, एक ही क्यारी में, तो उसके बाद और क्यारी में भी लगाते हैं। तो गाइस हमारे मतलब और गांवों में जैसे और गांव में गाइस खेतों में मिर्ची लगाई जाती है और बोई भी जाती है। लगाने का मतलब तो मिर्ची को एक एक पेड़ लगाया जाता है और बोने का मतलब होता है कि एक साथ पूरी मिर्ची को खेत में बोया जाता है तो उसके बाद लगाया नहीं जाता। तो गाइस आजकल हम लगा रहे हैं मिर्ची, हमारे गाँव में सभी लोग मिर्ची लगा रहे हैं आजकल, तो आपको दिखाते हैं मिर्ची की क्यारी किस प्रकार से होती है। तो गाइस ये हमारी क्यारी देख सकते हो, ये जवान और आजकल गठेरी और पिनालू और ये आलू का पेड़ आजकल इस प्रकार से गठेरी पिनालू हो रहे हैं। और ये बीन जिस पर अभी छोटे छोटे फूल आ रखे हैं बीन के पेड़ पर, और इधर को हमारी हरी सब्जी और चौलाई हो रखी है। तो गाइस दोबारा से हमने इसमें हरी सब्जी बो दी है और ये हरी सब्जी के पत्ते और यह चौलाई का यह चौलाई देख सकते हो चुके रहते हैं ऐसे पहाड़ों में। और आजकल इस प्रकार से हमने यहाँ पे बोर किया, इतने बड़े हो चुके हैं और इधर को लगा रखी है हमने मिर्ची। तो ये हमारी मिर्ची की क्यारी जिसमें पानी दे रखा है थोड़ी देर पहले, अभी आपको ज़्यादा अच्छे से दिख नहीं रहे होंगे पेड़, यह है गाइस जो आपको दूर दूर पेड़ दिख रहे हैं, जब बड़े होंगे तो अच्छे से दिखेंगे। तो यह देख सकते हैं हमने इतना लगा रखा है, तो गाइस यहाँ से हमने यहाँ तक लगा रखा है, तो और बाद में लगाएंगे इधर को गाइस और लगाने और दूसरे क्यारी में भी मिर्ची लगाना है। तो गाइस इतना ही लगा रखा है अभी, ये देख सकते हो इस प्रकार से मिर्ची लगाए जाते हैं पहाड़ों में। तो गाइस अब चलते हैं घूमने के लिए, और अभी भास्व और कानू की तो आज स्कूल की छुट्टी है और अब चलेंगे घूमने के लिए, क्योंकि गाइस आज जो घूमने नहीं आ स्कूल नहीं गए थे और वरना स्कूल से आने में थक जाते हैं, तो चलते हैं अब घूमने के लिए उनके साथ। तो गाइस हम आ चुके हैं गांव से और हमारे गांव के बच्चे देख सकते हो इतने बच्चे आ रहे हैं आज घूमने के लिए, और कल भी डामर हो रहा है पहाड़ों आजकल, तो देख सकते हो यहाँ पर अभी डामर किया जा रहा है क्योंकि अभी 5 बज चुके हैं, तो डामर सुबह से कर रहे थे गाइस, तो आगे पहाड़ों में ऐसे हो रहा है डामरी करना हो रहा है। तो हमारे गांव के बच्चे दौड़ के जा रहे हैं देखने के लिए और ये दौड़े नीचे को देख सकते हो, इन्होंने गाइस मेरे को लग रहा है पहली बार देख रहे हैं डामर हो रहा है रोड में, और यहाँ पे मशीन रोलर चला है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा रोलर, और आपको दिखाते हैं किस प्रकार से डामर करते हैं। गाइस हम पहुँच चुके हैं पीपल के पेड़ पे और यहाँ पे हमारे गाँव के बच्चे देख रहे हैं डामर किस प्रकार से कर रहे हैं, ये यहाँ पे इतने गाँव के हमारे बच्चे हैं और ये देख रहे हैं डामर किस प्रकार से, और वहाँ पे डामर बनाया जा रहा है, वहाँ पे मिक्स किया जा रहा है और रोलर द्वारा उसे दबाया जा रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे अभी आपको अच्छे से दिखाते हैं किस प्रकार से मशीन काम करता है। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पे डामर बन रहा है और यहाँ पे डामर को मिक्स किया जा रहा है यहाँ पे, और उसी के बगल से उन्होंने भट्टी लगा रखी है, डामर को गर्म किया जाता है क्योंकि जब डामर गर्म करने के बाद चिपकता है और उसमें मशीन में मिक्स करने के बाद उस पर रोड़ी और रेता और डामर मिलाया जा रहा है देख सकते हो। और अभी रोलर गया उधर क्योंकि अभी उधर को डामर किया जाएगा, और इधर को देख सकते हो जो यहाँ पे गड्ढे हो रहे थे वो गड्ढे भर दिए गए हैं, और इस प्रकार से डामर किया जाता है, और आपको अच्छे से दिखाते हैं अभी डामर किस प्रकार से किया जाता है। और हमारे गांव के बच्चे ये देख रहे हैं यहाँ से डामर और इन्जॉय कर रहे हैं किस प्रकार से डामर किया जाता है, और हमारे कानू भाई भी देख रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे अभी किया जा रहा है डामर, तो अभी उसमें मिक्स किया जाएगा उसके बाद उधर को ले जाया जाएगा जहाँ पे गड्ढे होते हैं। तो गाइस यहाँ पे ट्रैक्टर आ चुका है, ये देख सकते हो अभी धूप लग गई अच्छे से दिख नहीं पा रहा है, तो वहाँ पे ट्रैक्टर अब ले जाएगा डामर को, ट्रैक्टर के पीछे ट्रोली लगा रखी है छोटी वाली ट्रोली जिसमें डामर को ले जाया जाता है, तो वहाँ पे रखा हुआ है देख सकते हो। तो इस प्रकार से वहाँ पे डामर को इकट्ठा करेंगे उस ट्रोली में, उसके बाद ले जाएंगे उधर को हेडपम्प की ओर, आज के हेडपम्प पे हो रहा है डामर। गाइस अब हम जा रहे हैं सभी लोग, इतने बच्चे देख सकते हो घूमने के लिए, और इतने ही हमारे गाँव में बच्चे, और ये है हमारे, और ये नाराज पता नहीं क्या हो गया इसको संदीप को, इसका मुँह देख सकते हो पता नहीं क्या हो रहा है, और अब हम जा रहे हैं घूमने के लिए। तो गाइस हम इधर को आते हैं घूमने के लिए, और यहाँ पे एक सींग मिला है देख सकते हो जो टूटा हुआ है, कानू अभी इसको पकड़ रहा था, पता नहीं किस चीज़ का सींग है, बैल का सींग है मेरे को लग रहा है, कानू के चेहरे से बहुत बड़ा सींग है और कानू को पकड़ ले रहा है कानू ऐसे ही, और अब हम जा रहे हैं उधर को घूमने के लिए। तो गाइस यहाँ पे रोड के देख सकते हो रोड के वहाँ पे हिसालू हो रहे हैं, जो आपने पता होगा हिसालू गाइस बहुत टेस्टी होते हैं, और
छोटा सा पेड़ है और उस पर हमारे गांव के इतने बच्चे चिपक चुके हैं पूरे पेड़ पे, और आपको भी दिखाते हैं सालू किस प्रकार से होते हैं। और ये यहाँ पे खा रहे हैं, और संदीप को चुप चुका है, काटा यहाँ पे काटे होते हैं इसमें गाइस बहुत छोटे, और यहाँ पे खा रहे हैं सालू। और गाइस एक पेड़ आगे भी है सालू का, वहाँ पे दिखाते हैं क्योंकि यहाँ पे सब बच्चों ने ये खा लिए हैं सालू। तो गाइस मैंने यहाँ पे अभी नहीं चखे क्योंकि यहाँ पे अभी गाइस उतने पके नहीं हुए हैं, और जो आगे पेड़ है वहाँ पे दिखाते हैं। आजकल गाइस चिड़िया और बच्चे तो यही खा रहे गाइस सालू। तो गाइस हमारे गाँव के बच्चे यहाँ पे भी पहुँच चुके हैं, देख सकते हो दूसरे पेड़ पर भी, और यह रोड के नीचे को और रोड के ऊपर था, और मैं भी ला रखा हूँ एक सालू छोटा सा। तो गाइस इतने छोटे सालू होते हैं और ये खट्टे मीठे होते हैं, रखने के बाद बताते हैं। तो गाइस बहुत टेस्टी हो रहा है, और ये भी खा रहा है पीछे से, देख सकते हो इसको खाने में शर्म लगती है मेरे को लग रहा है। इसने भी खा लिया और कानू भी ला रहा है हाथ में, आपको दिखाते हैं। तो गाइस खट्टे भी हो रहे हैं और मीठे भी हो रहे हैं, ये कानू के हाथ में छोटे से सालू, और कानू खा रहा है इनको, अब इनको भी दे रहा है बच्चों को, छोटे बच्चों को भी, और अब चल रहे हैं यहाँ से ऊपर को। तो गाइस भास्तु इतने ऊपर चले गया, देख सकते हो सालू खाने के लिए, और बच्चों के लिए तोड़ के ला रहे हैं, वहाँ पे एक छोटा सा पेड़ है। तो गाइस यहाँ पे वैसे बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं जो चिड़िया खा जाती है सालू को रोज, और मतलब इसके कांटे होते हैं इसमें छोटे से, तो इसलिए चुभ भी जाते हैं। तो इसलिए जहाँ पे छोटे छोटे पेड़ हो रहे हैं जिसपे कम हो रहे हैं उसी से खा रहे हैं, और जहाँ पे ज़्यादा मात्रा में सालू हो रहा है तो वहाँ पे गाइस चिड़िया ने खा लिया। तो चिड़िया और इंसान ही खाते हैं। तो गाइस हम पहुँच चुके हैं उगला के ऊपर, और पीछे को देख सकते हो इस प्रकार से व्यू आ रहा है शाम का। तो नीचे है मझगाँव, तो इधर है मझगाँव, और आजकल मझगाँव में थोड़ा दिन पहले गेहूँ हो रहे थे, और अब गेहूँ काट दिए गए हैं, और गाइस अब चले गया है गेहूँ का सीजन। और आजकल गेहूँ मतलब जो गेहूँ का भूसा होता है वो गाय और भैंस को खिलाते होंगे, खिला रहे होंगे। और नीचे का व्यू देख सकते हो मझगाँव के, आज के खेत थोड़ा खाली हो चुके हैं, अब कुछ दिनों के बाद मझगाँव में भट और क्या कहते हैं मडुआ, तो गाय भट और मडुआ बोया जाता है अब कुछ टाइम बाद। तो आज के खेत खाली है, और आज का रख रहे हैं खाद, आज के नीचे को रख रहे हैं खाद, देख सकते हो। तो आज हमारे गाँव में तो ऐसे भट मडुआ नहीं बोते क्योंकि हमारे यहाँ सुअर खा देता है, तो गाय मझगाँव में थोड़ा बहुत मतलब कम खाता है, बहुत कम खाता है सुअर। और यहाँ पे देख सकते हो शैतानी कर रहे हैं बच्चे, एक दूसरे को मारे। तो गाइस यार हमारे गांव के बच्चे देख सकते हो घूम के, इतने हमारे गांव में बच्चे ये देख सकते हो शैतानी करके आ रहे थे, एक दूसरे को भी पत्थर से मारे थे थोड़ी देर पहले ये निदाई है। तो गाइस अब हम जा रहे हैं यहाँ से घूमने के लिए इधर को, देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा अंधेरा जैसा दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा धूप चमक रही है ये। तो गाइस इस प्रकार से शैतानी कर रहे हैं ये। तो गाइस यहाँ पे आजकल गाइस हमारे गांव में डामरीकरण हो रहा है, तो उसके लिए यहाँ पे ट्रोली लाए जा रहे हैं। तो आजकल हमारे गांव के बच्चे गाइस इसी में खेल रहे हैं, देख सकते हो इनका खेलने के लिए अच्छा और क्या, उसमें गाइस टायर है तो उसमें चार पाँच बैठ रहे हैं और भाषु उनको ले जा रहे हैं। तब से मतलब आधे घंटा हो गया उनको जब से हम उधर से घूम के आ रखे हैं। और इसी प्रकार से देख सकते हो यहाँ पे अभी डामर के ड्रम भी है, और इनमें तेल भी है क्योंकि इधर को हो चुका है डामर मूसाकोट की ओर, और उधर को लेके गए हैं मशीनों को डामर करने वाले। और यहाँ पे एक ट्रोली और चार पांच ड्रम रखे हुए हैं, तो गाइस यहाँ पे ट्रोली में खेल रहे हैं क्योंकि इसमें अभी डामर चिपका नहीं है, तो सूख चुका है डामर जो उसमें पहले चिपका हुआ था। और ये जा रही है ऊपर को घूमने के लिए, और वो देख सकते हो ऐसे अलग अलग प्रकार से शैतानी कर रहे हैं। तो गाइस यहाँ पे आप भासु देख सकते हो, भासु को लेके जा रहे हैं हमारे गाँव के बच्चे इस प्रकार से, और भासु भाई हो रहा है हमारा भारी। तो गाइस आपको अब अच्छे से दिखाते हैं किस प्रकार से खेलने, आज के इसी प्रकार से खेलने हमारे गांव के बच्चे। तो इनके खेलने के लिए गाइस बहुत अच्छा और का ये ट्रोली, तो इसमें टायर भी थोड़ा इसके हिल है, और बच्चे ले जा रहे हैं दो बड़ों को ट्रोली में। तो गाइस आजकल यही चल रहा है हमारे गांव में इसी प्रकार से, और ये गिर भी जा रहे हैं। तो अब हम चलेंगे यहाँ से घर को, और ये मतलब आजकल ये ट्रोली से हो रही है इनके लिए घूमने के लिए गाइस बच्चों के लिए इस प्रकार से। और अभी सभी बच्चे बैठे हुए थे गाइस, मैं नहीं बैठा, मेरे को बैठने का मन ही नहीं करता। और ये खेल रहे हमारे गांव के बच्चे इस प्रकार से। तो गाइस ये देख सकते हो सभी लोग बैठ चुके हैं यहाँ पे, और आपको अच्छे से दिखाते हैं किस प्रकार से। तो गाइस संदीप और वो बैठे हुए हैं हर्षू, और ये बैठे हुए हैं इस प्रकार से खेल रहे हैं गाइस, से खेलने के लिए बहुत अच्छा हो रहा है इनको। मेरे को लग रहा है इनको ऐसे ही बनाना पड़ता अपने खेलने के लिए, इसमें टायर है तो टायर बहुत बड़े गाइस इसलिए अच्छे से चल पा रहा हो। और यहाँ पे देख सकते हो डामर के ड्रम ऐसे फेंके हुए हैं, यहीं पे डामर बना था और यहीं से नाम निकल हो रहा था नीचे को भी और ऊपर को भी, आजकल पीपल के पेड़ पे हो रहे हैं। और कोई बच्चों को डर लग रहा है, संदीप को लग रहा है यहाँ पे डर, और बच्चों को तो डर नहीं लग रहा है। तो ये देख सकते हो इस प्रकार से भासु ले जा रहे हैं इनको गाइस। तो आज के ये खेल, कल दूसरे बच्चे खेल रहे तो गाइस गाँव वाले, और आज ये खेल रहे हैं इसी प्रकार से। और शाम का व्यू देख सकते हो, और यह गाइस नीचे मझगाँव है, ये नीचे जहाँ पे पेड़ दिख रहे हैं आपको यहाँ पे देख सकते हो गाइस, यह मझगाँव, और यह गगास नदी जो यहाँ पे, और यहाँ पे दो पुली हाउस, और यह बनगढ़,
और यह है चिन्ना नौला गाइस, इधर को है चिन्ना नौला, ऊपर जो आपको पहाड़ दिख रहा है यह है गाइस चिन्ना नौला का, और ये हमारे वहाँ के पहाड़ इस प्रकार से। यहाँ पे हमारा रोड जब काटी थी, यहाँ पे जब रोड बनी थी तो इस प्रकार से यहाँ पे पत्थर आया, तो इस प्रकार से एक थोड़ा सा नीचे से काटा गया खेत को, तो ऊपर से सब आ चुका है ऊपर को, और अब वो जा रहे हैं ऊपर को, तो अब हम भी चलते हैं। ऐसे देख सकते हो ट्रैक्टर आ चुका है काम करके, ऊपर डामीकरण हो रहा था, और ये जा रहा है ट्रैक्टर तिपोला, मतलब तिपोला सामान रखते हैं डामीकरण का, और तिपोला से ऊपर को आते हैं, और इसमें जो देख सकते हो इसमें मतलब 4-5 जने लोग हैं जो डामीकरण करते हैं, और ये जा रहे हैं अब ट्रैक्टर में आते हैं गाइस, और ट्रैक्टर में ही जा रहे हैं, तो गाइस बहुत ज़्यादा आते हैं इसलिए, और ट्रैक्टर तो ऊपर को रोज आता है सामान लेके, तो इस प्रकार से जा रहे हैं ट्रैक्टर नीचे को। तो गाइस हमारे गांव के बच्चे आ चुके हैं खेल के ये, और सभी बच्चे खेल लेते हैं ये, और कैसा लगा इनको? बहुत बढ़िया। तो गाइस इनको सभी को मजा लगा ये? अच्छा, तो गाइस से बोला और खेलेंगे बोल रहे, तो गाइस शाम हो रहा है और खेल लेते हैं वहाँ पे। और हमारे कानू भाई को कैसा लगा उससे पूछते हैं, तो कानू भाई कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। अच्छा, तो गाइस और अब चल रहे हम घर को, भास्कर और कानू ने खेला और हमारे और छोटे बच्चों ने भी खेला। तो गाइस जो आपको नीचे गांव दिख रहा है ये है मूसाकोट, और ये है मंदिर जिसपे कलर किया जा रहा है आजकल मंदिर पे, और ये मूसाकोट मतलब दो जगह है, इधर है और इधर है, बीच में इसमें बहुत बड़ा गधेरा है गाइस, इस प्रकार से मूसाकोट का गाँव, और मतलब यहाँ रहते होंगे 10-15 लोग रहते हैं बस। तो गाइस हम आ चुके हैं हेडपम्प पर, और यहाँ पे हमारे गांव के बच्चे पानी पी रहे हैं, क्योंकि ये ज़्यादा इनको खेलने की वजह से ट्रोली में ज़्यादा गाइस पानी की प्यास लग चुकी है, तो यहाँ पे हेडपम्प है, और गाइस यहाँ पे ठंडा पानी आता है, और यहाँ पे सभी लोग यहाँ पे पानी पी रहे हैं, भासु भी पी रहा है, कानू और सभी लोग पी रहे हैं, और अब चलते हैं गाइस यहाँ से अपने घर की ओर। तो गाइस अब हमारे गाँव के बच्चे यहाँ पे पहाड़ी बादाम ढूंढ रहे हैं, यहाँ पे शौत और का देख सकते हो, एक शौत और का, तो अभी उसको पत्थर से मारा भास्कर ने, और उसमें से बादाम गिरे हुए हैं, तो ये हैं गाइस बादाम पहाड़ी जो इनको खाते सभी लोग, और ये सभी लोग टिप रहे हैं देख सकते हो, अभी पत्थर से मारा तो सूख चुके हैं बादाम, और गर्मी आ चुकी है तो इसलिए सूखने के बाद उसे पत्थर से मारने पे बादाम गिरते हैं, और इतने बादाम मेरे को भी मिले, तो अभी खाते हैं इनको, पहले इनको दिखाते देख सकते हो इस प्रकार से टिपने बादाम, तो अभी दिखाते हैं कितने कितने बादाम ला रखे कौन। तो गाइस ये नैनू ला रही है बादाम, अभी दिखाते हैं इतने ला रही है हरसू, और ये कानू भासु ला रहे हैं सभी, इन्हें खाने के लिए हो गया चखने के लिए गाइस थोड़ा बहुत, तो एक दूसरे जो ला नहीं रखा है उनको भी दे रहे हैं एक दूसरे को थोड़ा थोड़ा बादाम। तो गाइस फाइनली चलते हैं आप घर को, और इसी ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।